ताऊ जी फिटनेस चैलेंज के लिए रेडी? रे थम जा। स्टार्ट। सिट अप। यो देखो गंगाराम चौधरी कति जहरे जहरे जहरे। ताऊ जी फिट है बोलो। अच्छा वंस मोर, गंगाराम चौधरी फिट है और अगे चैलेंज करना चाहता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ना राष्ट्रपति जो बदन जी को, रूस के पुतनी जी को और कनाडा के इक्के नाम था उसका त्रिदेव पुतनो ट्रुडो। हाँ राष्ट्रपति पुतनी जी को और राष्ट्रपति ट्रुडो ने। ट्रुडो पीएम है ताऊ जी। मैं भी तो सीएम हूँ बावड़े। ना चाहे संगो का फिट इंडिया, हिट इंडिया, जाग जा इंडिया, सो जा इंडिया, इसी में बैठा दिया पूरा इंडिया। चल जा, घना काम पड़ा है, चेपी चुपी लगा के साफ सुफ करते डाल दे ट्विटर पे। सर बंसल जी और शर्मा जी आपसे मिलने हैं। रैप परे धरुस राव के तो की जोड़ी ने। बोल दे तबीयत ठीक सी ना है? जी। अरे अरे शर्मा जी बंसल जी, इबियो यू बिचोलिया मिलवाएगा हम भाइयों को? आपका प्यार अपनी जगह पे चौधरी साहब, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अब भाइयों में क्या प्रोटोकॉल, चुप दिल में लगाओ बेबी को। हैं? आप ये हुकुम करो। चौधरी साहब एक दरखास्त लगाई थी लैंड यूज चेंज कराने की, इसका तो कुछ हुआ नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि वहां स्कूल बनेगा। स्कूल? स्कूल क्यों बनेगा भाई, सबको स्टैंडर्ड की तरह पढ़ा लिखा के बाबू बनाना है क्या? क्यों बेटा अंडर कहां तक पढ़ा है तू? आईएएस हूं सर, टॉपर ऑफ माय बैच। यो देखो जी टॉपर टूपर ऑलमोस्ट लूजर, मेरा जो बोलू वही करा है, तो बात पल्ले बांध लो। मॉल बनेगा तो माल मिलेगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगार मिलेगा। खाना घर पे खाऊंगे आज। सुनो दुनिया जय जयकार कर रही है गंगाराम चौधरी की, और तू जी खाना घर पे खाएंगे आप? अरे भैंस नहीं ले आया था रोहतक के मेले से, भी अकेले आया था तन्ने में। मेरी बिमो उच्चा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। सर एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान कर रहे। परेशान करना तो मारा का ठंडी पोस्टिंग करा दी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को सेशंस कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट ने गंगाराम चौधरी को शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते तलब किया है। चौधरी के ऊपर आपराधिक साजिश, मिसयूज ऑफ पावर, घूसखोरी, करप्शन, धोखाधड़ी, ब्राइबरी, चीटिंग, तमाम शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ क्या कोर्ट सख्त रूप अपना पाएगा? देखो जी देखो देखो, हम कोरे थे कोरे हैं
और हमेशा कोरे ही रहेंगे. आई हैव फुल एंड फुल फेथ इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम. तो सुना आपने, फुल एंड फुल, ये कैसी भाषा है? क्या ये भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? क्या टीचर भर्ती ऐसा घोटाला एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? खैर, अब इनसे कोर्ट निपटेगी अपना फैसला. Under Section 120B, 420, 409, 467, 468, 470 and 477. क्योंकि उन्हें तीसरी क्रिया है क्या? सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं शरावत जी. यही चार्जेस लगे हैं ना आपके क्लाइंट गंगाराम चौधरी पे? ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक गंगाराम चौधरी को, बल्कि कहूं तो गंगा रावण चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है. चौधरी साहब, हम थम जा कर लिया ना तन्ने काला कोट. ये वो गंगाराम चौधरी करेगा बाला कोट. मेरी गुलाबो, मेरी लाडो, नाराज ना होवे. थोड़ी देर होगी ना, आज तने मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी. सबर रख थोड़ा. हेलो, सत्ता संभाल बिम्मो. ये तो सीएम की बीवी नहीं, खुद सीएम है. हाँ जी, हाँ. और ऊंचा बोला कर. हेलो, गाड़ी क्यों रोक दी भाई जी? यहाँ से आपको अकेले पैदल ही अंदर जाना होगा चौधरी साहब, उस दरवाजे से. उस दरवाजे से सर झुका के घुसू इसमें? वह उतनी के यो चौधराट की पगड़ी है, झुकती कोनी. सर उतारो तो ही उतरे. पूरा गेट खुलवा. बड़ा गेट खोल भाई, बड़ा गेट खोल. जनाब, आज तक किसी के लिए खुला नहीं ना, तो जंग खा गया तालाब. कोई तेल लाओ, बस तेल लाओ. योरा तेल चौधरी साहब, साक्षात जी. चौधरी साहब, आप ही का लगाया हूं जी, सतपाल तोमर. अरे दिलीप कुमार के नालायक पोते, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, वरना मीडिया वाले टीवी पे उछाल देंगे. कति जय रहे, जय रहे, जय. जन्म जी,
वेलकम सर। श्रीमती बिमला देवी चौधरी शपथ की लेती हूँ कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की तरफ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं हरित प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतिमकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैडम साइन। आपका कमरा चौधरी साहब विद विंडो। रे मैं यहां रहूंगा तो तू यो ना कह दियो कि मेरी जगह तू जेल में रहेगा। चौधरी साहब यो भक्तो सेवक है जी आपका, आपके चरणों में ही पड़ा रहेगा। कम दैट साइड। यो सब क्या है? आपका ऑफिस। डिप्टी भी एक है तो रिमोट दो क्यों? यो टीवी चलाने के लिए। और यो सरकार। टंडन से कम पढ़ा है तू, लेकिन भाई असली टॉपर तू है। म्यूजिक यू के बड़ा गोरी भाई बजा रथकाते अरे संसार बंजर खटारा मुकाते रे मुकाते सभी के थोपड़ों पे करारा ये शिक्षा विरोधी सरकार है। राम राम चौधरी साहब, मैं घंटी। किसके दरवाजे की? नहीं नहीं, नाम बलराम है साहब। वो साइकिल चुराने का आरोप है ना, तो सब लोग मेरे को घंटी बुलाते हैं। साइकिल चुराने पे जी? कितनी चुराई? पूरी 4,565। इतनी कैसे? साइकिल की गद्दियों बदल देता था। अरे भाई, सब गद्दी का ही तो खेल है। ये प्रेम कह दिए साहब। तन्ने के चुराया? दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था, मुझे झूठे केस में फंसा दिया। किनकी छोरी है? बता मनुष, हैं? बता बता। आप ही के खाप की है चौधरी साहब। फिर तो भूल ही जा, बाहर जावेगा तो सीधा ऊपर जावेगा। वो है नामदार, सिविल इंजीनियर है। नाम ईमानदार पड़ा क्योंकि ईमानदार था, फिर दोस्तों ने फंसा दिया। वो विजय लक्ष्मी प्रोजेक्ट याद है आपको? हाँ हाँ, अरे उससे तो काफी लक्ष्मी आई थी हमारे यहाँ।
आपका मिजाज अलग ही है चौधरी साहब, हंसी मजाक में ही सही, खाने पीने की बात तो मानते हो, अलग किस्म के नेता हो आप। अभी सूत्रों से खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री विमला देवी विधानसभा में सोती है थी, और शासन जो है वो देने बैठ के गंगा राम चौधरी संभाल रहे हैं। हाँ सुन, क्या हमारा काम तो लोगों को जगाना है? गुंगे ने भेज, करना तो छोरी अपना ही राज से, मीटिंग करके आया मैं तो कल यमराज से, वो भी हाथ जोड़ कहता भाई आप अमर हो, बोले बाबा के पक्के बकर तो लड़का 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 बचे हर एक चौक पे, लड़का 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 लगा देंगे ना तू वॉक में, पावर 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 अपनी गति चैर है, किसी की ना खैर है, होने फेर है। ओ, कैसा कैसा फैला रायता, देखे आज कौन रोके, मौका है तो ले ले फायदा, सीले फन्ने कान होके रोके दो, फटकार दे 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 रुख ले आ, पर बाकी ये दिल किसी की तू आज गदर, मचा 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 रे, मचा 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 रे, चौधरी साहब वेकअप। चौधरी साहब टॉयलेट या बैटरी? बैटरी। क्या हुआ? मतलब इसे लग रहा है तू आज पूरी भक्ति ना दिख रही तेरी आंखों में। चौधरी साहब मैंने ना आपको पहले ही बता देना चाहिए, अब ज्योति देसवाल ने जानते हैं? नो। सही है जी, नई सुपरिटेंडेंट है जी, पधार चुकी है और बहुत ही कायदे के साथ काम करती है। अरे बावड़ी बत्तख, कायदा छोड़ फायदा समझाओ, अपना इकलौता ऐसा देश है जहां सरकारी आदमी काम ना करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। बढ़िया ले जी, ना रिश्वत लेती है और ना ही डरती है। तू ना डर, ज्यादा उद्यम काटेगी तो ट्रांसफर कर दूंगा एक मिनट में। सरकार फिर तो आपके लिए कुछ ही दिनों की बात है। मतलब? हाजिरी है जी मेरी, आपकी भी हाजिरी है, प्लीज टाइम से पहुंच जाना। मेरा नाम ज्योति देसवाल है और मैं आपकी नई सुपरिटेंडेंट हूं। मैडम, ओ मैडम, हम भी सेजवाल हैं जी, सेजवाल। और ये जो रविंदर है ना, इसकी तो बहन भी आई है देशवालों में। मैडम जी, हम भी डाकघर हैं। माय सेल्फ आल्सो सेम कास्ट जस्ट लाइक यू मैडम, सेम टू सेम है जी। अच्छा? हाँ जी मैडम। ड्यूटी कौन सी है आपकी? इंचार्ज है जी मैं इसके। तभी मैं सो रखा है। के मतलब मैडम? मतलब ये कि आज से आप संतरे की ड्यूटी करेंगे। जाइए, खड़े हो जाइए, जाइए। यहां ये तमाशा फिर नहीं होना चाहिए। इतना लेट क्यों आए हैं आप? पैरों में तकलीफ है?
इन्हीं पैरों पे खड़े होके तेरे को कभी अवार्ड दिए होंगे छोरी? पिछले 5 साल की सर्विस में इतने अवार्ड मिले हैं कि देने वाले याद नहीं रहते। आज मेरा पहला दिन है तो लंच में आप सबके साथ करूंगी। मैडम ठीक बनाया है? योके परोस दिया, इससे अच्छा खाना हमारे घर के जानवर खावे हैं। सारे कैदी यही खाना खाते हैं, तो आपको क्या समस्या है? सरकार को समस्या पैदा करने वाला पैदा ना हुआ, और अगर किसी ने करने की कोशिश की ना तो ये ट्रांसफर की छोटी मोटी समस्या उसने भी हो सके है। लग गया फिल्म घनी देखो चौधरी साहब, डायलॉग तो नया मार लेते। फाइल लाओ इनकी और अटेंडेंस रजिस्टर भी। सख्त लौंडिया है। लौंडिया ना है, चलबट्टा है, तारी चटनी भी पीस देगी। इन्हें यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया, और आप जैसे बहादुर, ईमानदार और कर्मठ जेलर के होते हुए बाहर का खाना अंदर आ नहीं सकता, तो 1 महीने से भूख हड़ताल पे थे। अरे अरे जल्दी जल्दी में शायद साइन करना भूल गए आप। साइन फेमस 5 डंडे और बिंदु, उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर पे दिखे थे मैंने। सर एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान। कैमरा बंद कर, बंद कर। डंडी पोस्टिंग करा दे। ये ऐसे साइन करते हो? कितना पढ़े हो? ऊंचा बोलो। आठवीं तक? हाँ। आठवीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके रजिस्टर में? काम? मैं काम करूंगा। कपड़े धोने वाली थापी बना सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, माली का काम और लैट्रिन साफ कर सकते हैं। भूल मत कि मैं कौन हूं छोरी। कुर्सी का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। कुर्सी से याद आया, आपको कुर्सी से घना लगाव है ना, कुर्सी ही बढ़ाएंगे आज से आप। लेकर आओ उन्हें अभी। ये आ रही है। चलाई तो बहुत हो गया आपने जनता पर, शासन पर, प्रशासन पर इसका सही इस्तेमाल आज आपको बताएं। और ये सब अलाउड नहीं है, निकालिए। मैडम आज तक सुनाई था कि आपके बारे में, आप देख भी लिया क्या? शेयर नहीं लीजिए आप। रोटंडल पार्टी के सारे विधायकों की फाइल उठा लिया, घने नोट छाप रखे हैं सबने। मैडम आप पढ़ेंगी फाइल? पड़ेगा तो तू टुप टुप पर, मैं तो सुनूंगी। मैडम आप जब ऐसे बोलते हो ना तो चौधरी साहब बहुत याद आते हैं। तू बस यो याद रख कि अब सीएम मैं हूँ। धीरे 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 आराम से। वैसे जो पॉलिटिक्स ना, रोटी बनाने जितना आसान काम ना है। रोटी का तो पता नहीं भाभी जी, लेकिन दूध काटने से आसान। बस भैंस की तरह आप सरों की टांगे बांध के रखो
पब्लिक को बछड़े की तरह दूध बिजली पानी का लालच दे के रखो और टाइम टाइम पे विधायकों को चारा देते रहो, और जो बात ना माने ले दो गाली। गाली तो ना सीखी तेरे भाई साहब के सामने, कभी जुबान तो खुली को नहीं। कर्मचारी नास जाए तेरा दिगदानी तने अंधी चंद्री साड़ी कमीनी जज्बाती कुत्ते की दीवानी आसे कराम जाती गवार औरत। मैडम जी मैं सिर को बंगला बना दूंगा, खाना भी पहुंचा दिया करूंगा, कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा आपका सवाल। कुर्सी से पहले तो मैं उसका ताबूत बनाऊंगा। बिल्कुल बनाना चाहिए। हाउ डेयर शी एंटर चौधरी साहब। जो प्यार से ना माने वो कैसे मानेगा? लटका जमाना चला गया अजीब, और वो भी एक छोरी पे। अखबार हाहाकार मचा देंगे, और आजकल के टीवी वालों को तो आप जानते ही हो। ट्रांसफर करा दे, यो ना झेली जा रही। ट्रांसफर कर दूंगी, इसमें क्या है, आपका आदेश है। ओ, ना 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 जी ना, आपके आदेश पे ही तो उसका यहाँ तबादला हुआ है। अगर मन है उसको टाया तो पार्टी को गलत मैसेज जावेगा कि बिमला देवी अपने आप को सीएम समझने लगी है, चौधरी साहब के पास करे हुए ऑर्डर कैंसिल कर रही है। और जनता को भी कितना गलत मैसेज जावेगा कि चीफ मिनिस्टर बिमला देवी चौधरी पक्षपात की राजनीति कर रही है। ना जी ना, मैं आपका कद छोटा ना होने दूंगी ऐसी बड़ी गलती करके। पॉलिटिक्स सीख के ये तू तो बिम्मो। और जी केक कब है? थैंक्स। कुछ ना कुछ हो जाएगा जी, मैं हूं ना तो मैं चलूं जी, पार्टी की मीटिंग है। नहीं रखी है जी। अच्छा जी, बाय बाय। कथी चेहर है इब तो मन की बात माननी पड़ेगी और बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर। इधर, अरे ये को नहीं भाई, इधर इधर इंगे को नहीं भाई, उंगे को। अरे क्या इंगे उंगे लगा रखे आपने चौधरी साहब? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप बताइए ना दर्द कहां पर है। अरे किंगे को ढूंढ ले डॉक्टर। दर्द सिर्फ एक फाइव स्टार अस्पताल में दूर हो सके। पेट आपका बिल्कुल ठीक है, अगली बार लीवर में खराबी रहता ना, लीवर में तकलीफ होगी तो मैं आपको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में रेफर कर सकता हूँ। मेरे लीवर में बहुत तकलीफ है डॉक्टर। इधर नहीं, इधर इंगे, अगली बार याद रखना।
डॉक्टर है मुकुल भाई। डॉक्टर एक कुर्सी 60 मिनट में बुनती है और 17 लोग हैं यहाँ पर, तो 6 घंटे में 102 कुर्सियाँ बनती हैं। इसका मतलब 25 दिन में 2550 कुर्सियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। उधर कौन सा जंतर मंतर है? मैंने देखा है यो लोग सवेरे वहाँ टहलते हुए जाते हैं और शाम को घूमते हुए वापस आ जाते हैं। चौधरी साहब वो लाइब्रेरी जाते हैं, स्टूडेंट हैं, ये परीक्षा देंगे, इसलिए इनको कामकाज से छूट है। कम चौधरी साहब, कम। चौधरी साहब, कम। नमस्ते। चल हेलो। हंसी तो बहुत आ रही होगी मेरे मीमो पे। के हुआ मेरे बेल पिटिशन का? भाई साहब बस होलिया समझो, जल्दी करा। जस्टिस त्रिपाठी जी केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, और भी लोकेशन देख लो सर, बदलाव सर, कहां खुलवा दूं अकाउंट और कितना डाल दूं मैं। स्टेट वर्सेस गंगाराम चौधरी, बेल डिनाइड। रुकिए भाई साहब रुको। ये जज साहब ने दिया है, कहा है कि ये गलती दोबारा की आपने, आपके भाई साहब के बगल वाला कमरा आपका होगा। आप
आ रही है कि कोर्ट ने बिना बकवाए रेल की पिटीशन जो है वो ठुकरा दी। राम रूपी जस्टिस त्रिपाठी ने गंगा रावण चौधरी की नाभी में तीर जो है वो सिधा मारा। इससे एक बात साबित होती है कि अगर आप हनुमान की पूंछ में आग लगाएंगे तो आपकी लंका जो है वो जलेगी। इतने बड़े राजनेता हैं आप, जी छोटा ना करो ये चौधरी साहब। अरे आज नहीं तो कल बेल तो हो ही जाएगी ना आपकी। बस भगवान जो है ना परीक्षा ले रहा है। बड़ी धमाकेदार एंट्री है। आज क्या देने आए हो, ट्रांसफर की धमकी या जान की? कोई धमकी वमकी देने ना आया, बस एक पुराना सपना पूरा करने आया हूं। कौन सा वाला बाकी रह गया? गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और आपका वो रिमोट कंट्रोल भी तो है। जल्दी कट्टी सुन लेना यार, यो सपना मेरी माँ का भी सपना था। आपको जेल में देखने का? ना मैडम जी, माँ का सपना था कि मैं भी पढ़ लिख लूं, लेकिन राजनीति विरासत में मिली थी तो टाइम ना मिला। इब जज साहब और आपकी मेहरबानी से टाइम ही टाइम। तो अब क्या करना चाहते हो? दसवीं काम चोरी के बहाने मत बनाओ, पढ़ाई की होती तो जेल में ना होते। पढ़ाई का जेल से क्या रिश्ता मैडम जी? गांधी जी नेहरू जी विलायत से पढ़ के आए थे फिर भी जेल गए। मन्ने तो बस दसवीं करनी है। एंड मैडम जी, जेल से दसवीं करना इज मारा राइट टू एजुकेशन। चौधरी जी, ये नया डायलॉग कहां से सीखा है? मतलब ही जानो उसका? नो, लेकिन इब इसका मतलब यो है कि गंगाराम चौधरी को दसवीं करने का फुल हक है। सोर ना करियो इबसे, मैं दसवीं की तैयारी कर रहा हूं। सुन, यो दसवीं की किताबें कहां रखी हैं? मन ने मत सिखा, बहुत फीते काटे हैं ऐसी लाइब्रेरियों के। बस फीते ही काटे आपने, थोड़ा सा वक्त भी काट लेते तो। चल चल, दसवीं की किताबें कहां रखी हैं बता। अरे चौधरी साहब, उधर नहीं, अंग्रेजी है, इधर आइए। लिसन मिस्टर लाइब्रेरी मैन, पढ़ा लिखा जाट, सोड़ा दुनी आठ, सो डोंट बी स्मार्ट एंड नेवर 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 एवर। पुनरुक्ति दोष। क्या? किसी बात के बार बार कहने को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। दसवीं के हिंदी के सिलेबस में ये भी है, लीजिए। दसवीं के सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस की किताबें पढ़नी होंगी आपको। कर दिया पुनरुक्ति दोष जी, तन्ने साइंस दो बार बोल दी। अच्छा पकड़ा, पर दोनों अलग हैं,
सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सामाजिक विज्ञान। भाई तू बड़ा ज्ञानी है। जेल में आने से पहले के करे थे? लाइब्रेरियन था, पढ़ता बहुत था, पर खाली ज्ञान से तो पेट भरता नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसी लाइब्रेरी की महंगी किताबों को फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पकड़े गए रंगों हाथों एक दिन। सर जी, अलजेब्रा की किताब कहाँ रखी? भैया वो दूसरे सेक्शन में देखना, वहाँ। भाई तेरा नाम राय बरेली है? चौधरी साहब, यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, ज्यादातर लाइब्रेरी को राय बरेली बोलते हैं, तो बस हम राय बरेली। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टंडन। पुतला लगवा रही हूँ अपना रानी बाग में। पुतला क्यों मैडम, जलवाना है? जलवाना नहीं है उतनी के, जलवा बनाना है जलवा। जी भर जगह दिखूंगी तभी तो मेरा दबदबा दिखेगा, फॉलोवर भी तो बढ़ेंगे। तो मूर्ति बोलिए ना मैडम। लेकिन मैडम पब्लिक को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, आप पहले थोड़ा काम कर लेती। मेरा मतलब है मैडम, दोबारा सोच लेंगी तो थोड़ा। टंडन चाला, चीनी चमचा। सोच रही हूँ अपना पर्सनल सेक्रेटरी बदल दी हूँ। बदल दीजिए मैडम। आई एम सॉरी मैडम। पुतला मेरा मतलब मूर्ति लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर सला, तू सला भी मेरे ऑर्डर से ही देगा। ओके मैडम। भाभी जी सुना आपने, भाई साहब जेल से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। के मैडम लगवा लो पुतला, वो तो फिर भी जल्दी लग जाएगा। लेकिन भगवान जाने वाले तमाशा है या कोई नई राजनीति। चौधरी साहब सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, वेक अप। किताब बड़ी गजब की चीज है मैडम जी, बिल्कुल नींद की दवाई जैसे। पन्ना खुला, सपने शुरू। और आपके 10वीं के सपने का क्या? इब आदमी सोवेगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा मैडम जी। और हमारे कलाम साहब ने भी तो कहा था, खूब सो, खूब सपने देखो। उन्होंने ये कहा था कि सपने वो देखो जो सोने ना दे। अच्छा, सोने के लिए नहीं मिलती छुट्टी काम से, या तो सही में 10वीं की तैयारी करो या दोबारा कुर्सी बनाओ। नजर रखना इस पे, पढ़ने का बस बहाना है, नुमड़ है ये। अरे हुआ करे नुमड़, हमारे मैडम के शेरनी से कम है। मक्खन बाजी की लत लग गई है तुम लोगों को।
और है मेरे नींद की मिट्टी गोलियों। जा रहे हो मुझे लाला जी? वाला ठीचा हो गया है, गली की उस पार चलो, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं भाषण के लिए। हाँ जल्दी चलो, लोगों को जगाना जरूरी है। लेकिन लाला जी, किस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम? तुम्हें नहीं पता ना? कौन हो तुम बेटा? स्टूडेंट। स्टूडेंट? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दसवीं। लाला जी भाषण। हम आज यहां बोलने की आजादी की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। चौधरी साहब छोड़ो। चौधरी छोड़ दिए। यो बिना बीट के झूमे, चक्कर गिनी सा घूमे, माथा पच्ची फोकट की, फिर आया तले जामू में, कदींगे बैठ कदींगे बैठ, करे कतई बावड़ा पन चौधरी। इससे ब्रिटिश सरकार की बुनियाद हिल जाएगी। पत्रकार हो? जीने बापू, स्टूडेंट। ओ, तुम ही हो दसवीं वाले? जी बापू, आपको कैसे पता? लाला जी ने बताया। बनके चीता गुर्रावे, फिर खुद ही का पत्थर रावे, बांधे सुर गोपाली का, फिर जय जय बंती गावे, के करे के पता खुद के रे पिटा धरे कान पे सन चौधरी। गड़ी ट्रिप में, गड़ी ट्रिप में, गड़ी ट्रिप में,
What happened, Chaudhary sir? Inqilab Zindabad! Nana pe na tole, bina kaate bole, nigal ke akal bal, akal mand ole. Uthe jaage sole, bakhe hole hole, pade sur mundate, chaudhary pe ole. Kabhi saaye gire. कदी पाए गिरे कदी ताए गिरे कदी पाए गिरे नाटी के सिंधी गर्दन चौधरी चौधरी आप यहां से निकल चलिए मौत सामने है लंबी से बड़ी और क्या मौत होगी लेकिन इस तरह बेवजह मरने का क्या फायदा आजाद जी बेवजह नहीं मुझे पता है मेरी मौत से मुझे आजादी मिलेगी इस मुल्क को नहीं लेकिन मेरी कुर्बानी मंजिल नहीं है ये रास्ता है आजादी का तुम निकलो यहां से और आप मैं यहां अपना इम्तिहान दे रहा हूं तुम जाके अपने इम्तिहान की तैयारी करो जाओ सखम सखम भरेंगे सखम सखम कसम कसम खाई है कसम 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 खाई है कसम कसम तम 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 तू भले तम 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 अब सहेंगे ना सहेंगे सखम सखम भरेंगे सखम सखम कसम कसम खाई है कसम कसम तम 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 तू भले तम 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 अब सहेंगे ना सहेंगे सितम खा लो वो थारी आजादी के लिए गोली खा के मर गए और तुम ये खाने के लिए मर जाओ साला अजीब देश है छाती तो सब है जोश में भगत सिंह पैदा होने के पड़ोस में कुर्सी नीचे से सरक गई दिमाग ऊपर से ऐसा सदमा लगा है कि बावले हो रखे हैं कोई सदमा वदमा नहीं है हॉस्पिटल भागने का रास्ता बना रहा है लोमड़ है मैडम आप फेम की बात है लीवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है और वैसे भी दिस थिंग एजेंट मगर मैडम उससे तो पाइप सटारा अस्पताल में बेच देवेंगे अरे बा नहीं नहीं सीएम जी हम यहां कैद क्या हो गई तेरी अक्ल कती आजाद हो गई हैं बिम्मो व्हाट एन आइडिया मैडम जी नाम सुभाष मोहनदास आजाद क्या काम करते हो आप मुफ्त में कुछ नहीं आपको जवाब तो देना पड़ेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जवाब दूंगा आप जानते हैं आप एक नेता हैं नेता न था ना हूं ना बनूंगा तो आप कभी नेता नहीं रहे ना याद कीजिए पागल नहीं है पागल बना रहा है आपको पता है पिछला इलेक्शन 4329 वोटों से जीते थे और उससे पिछला 7399 से
मैडम जी, चौधरी को इतना कमजोर ना समझ। 4000 नहीं 40,210 वोटों से जीता था और उससे पहले 17,860 वोटों से जीता था। अरे पंचायत का इलेक्शन 6,730 वोटों से जीता था। बड़ी आई 4,329 वाली। और कुछ हमारी आजादी के प्लान की तो पत्ती लगा दी तुमने। इधर पीने लगे हो क्या? इतना भी नहीं जानते कि जिस आदमी की दिमाग की हालत ठीक ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लीवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। तो बत्ती लगाई नहीं, जलाई है। उम्मीद तो नहीं है आपसे, पर चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो। तेरा मतलब है कि तन्ने चौधरी पे एहसान करिया है? एहसान ही समझ लो। और आज से 10वीं का ड्रामा बंद। ये जाओ ना, काम पे लगाओ। ए छोरी, तू कहेगी और मैं सुनूंगा? औकात क्या है तेरी? इस वक्त तुमसे तो बहुत बड़ी है। तुम हो यहाँ के कैदी और मैं सुपरिटेंडेंट। घना घमंड है ना तन्ने अपनी इस पोजीशन का। मिनट ना लगेगा तोड़ने में। मिनट तो मिलने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में। और याद रख, बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां देर से जुड़िया करे। अनपढ़ गवार आदमी, तमीज तक नहीं बात करने की। ये देश चढ़ाएंगे, सरता रहे इस पिंजरे में। साला जाहिल। जाहिल किसको बोली? अरे जा, 636 देखी तेरी जैसी। तू इस पिंजरे में पड़ी की पड़ी रह जाएगी और चौधरी हो जाएगा। पर जी डॉक्टर साहब, अटैक आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तो वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल के सुइट में रहेंगे। तो चुप कर रहे। छोटा सा ये अटैक था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने वहीं ठीक कर दिया, सीपीआर दे दिया। सीपीआर? किसने दिया सीपीआर? तेरी अम्मा ने, रे जिल्लरणी ने दिया। भला उसका मतलब, कल तक जिस मुंह से उन्हें भला बुरा कहती रही आज उसी मुंह से सीपीआर दे दिया। के 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 मुंह से? के मुंह से? मुंह से क्या हो गया? ये सीपीआर? एक मिनट, कार्डियो पल्मोनरी रिसुस्केशन। अंग्रेज जी में गेट बिटना करे। एक मिनट मैडम, सीपीआर ये मैडम। के पर मिजाज पर यहाँ के लहरी है एक मीनी। गड्डी निकाल। ये भी तो तबीयत हरी सी होली होगी। एक बीमार आदमी ने मुंह से मुंह लगा के चम्मा चट्टी मिल जावे तो तबीयत हरी तो होनी है कहाँ हो? सॉरी मैडम, लेकिन जो जरूरी था वो मैंने किया। रिटेंडेंट,
तू तो कह रहा था ये जूनियर है, तेरी जबान तो सीनियर भी ना चलाते। मैडम आपको तो खुश होना चाहिए कि अब ये ठीक है। हाँ हाँ सब ठीक है, यो भी ठीक है, तू भी ठीक है। ठीक है घंटा के क्या बोलने? अजी ऊंचा बोलना करो, आप सीएम के हस्बैंड हो। दो फोटो। ज्यादा दांत ना फाड़े। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। नई पहचान मुबारक हो सीएम के हस्बैंड साहब। तो फिर कर लो जी, फिर आप आराम है, मैं चलूं। कर लो आज आराम, कल से फिर कुर्सी बनानी। कुर्सी नहीं, दसवीं। दसवीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं है। छोरी काउंटिंग तो जान दे, एग्जिट पोल में चौधरी हर बार हारता है लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। दसवीं तो चौधरी करके रहेगा, क्योंकि चौधरी जाहिल ना जिद्दी है। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठेगा। ठीक है, दसवीं पास नहीं कर पाए तो प्रदेश की जनता ऐसे सीएम से बच जाएगी, और अगर कर ली तो क्या पता विद्या की देवी सीएम विमला देवी के पति का कुछ भलाई कर दे। बोथ साइड बेनिफिट मैडम। सतपाल बोल रहा हूँ। इस बार दसवीं की परीक्षा में गंगाराम चौधरी के उतरने से नतीजों को लेके चुनाव जितना ही उत्साह पैदा हो गया है, और सट्टा बाजार में भी इस बात को लेके काफी खलबली मच गई है। लेकिन सबसे जरूरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गंगाराम चौधरी ने कहा है कि अगर वो फेल होते हैं तो उनकी धर्मपत्नी विमला देवी जो है वो सीएम यहाँ पे बनी रहेंगी। मैं कमिश्नर सिंह नंबर वन बना हुआ हूँ आपके साथ। अपने सर पर ही कुलाड़ी मार ली है। रे कुछ नहीं होने वाला, मारी तो कभी सुनी ना, तुम लोग भी मना मत करो, करने दो जो करना चाहते हैं, मैं तो साथ दे ही रही हूँ उनका, सुख में दुख में एग्जाम में। शादी के 8 वचन लिए थे मैंने, सत्य वचन, शादी के 8 वचन। सीएम मैडम ना आई, हवा में है पतंग होली के। अरे ओ भाई साहब, क्यों करनी है आपने दसवीं? फेल फूल हो गए तो हमारी बदनामी होगी ना। अच्छा, वैसे बड़ा नाम है तेरा, चौधरी जय देवराम के बेटे हैं हम। कुर्सी हो या दसवीं, लेंगे तो टंके की चोट पे लेंगे। राइट अंडन, अदाकर कौन करवाता है जेल के एग्जाम और कौन करता है निगरानी? भाई साहब पास होने चाहिए बस। वाह वाह छोटे वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। इंगे को आ। फेल होने से पहले फेल मत बता मन्ने, बचपन से यो ही गलती करते आ रहे हम। तिकड़म जुगाड़ झूठ फरेब और मिला के जेल। इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर 1% भी ऊंच नीच हुई तो अपोजिशन आपका परसेप्शन खराब कर देगी। और जरूरी नहीं कि राजनीति की समझ रखने वाला
दसवीं पास करने की भी समझ रखता हूं। सुन मेरे टॉपर टूपर, ज्यादा बोलेगा ना तो आईएएस की परीक्षा में बैठ जाऊंगा। बंटी तू मेरी ट्यूशन लगा ले। किस बात की? कितनी रोटियां बनती हैं? लगभग 7,000। तू बनाता है इतनी रोटियां? हम 28 लोग बनाने वाले, तो एक आदमी बनाता है 250 रोटियां। यो तू यो गणित का हिसाब किताब मन में सिखा दे, साइकिल की दुकान छोड़ फैक्ट्री खुलवा दूंगा। ठीक है। Length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. सच बताओ घंटी, मन तो यो बस कुछ लकीरें और कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक है, त्रिभुज त्रिकोण को मारो गोली, आपको कौन सा 100 में से 100 लाने हैं? आप पास हुए वही बहुत है। देख भाई, मेरी राजनीतिक गणित ही मजबूत है, असली गणित में तुम्हें फेल हो। ठीक है, कहीं और से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, हरित प्रदेश में कितने वोटर थे? 1,98,40,812, 2019 की फिगर है। और विधानसभा कितने? 90। जाते हैं सभी तरह? वो तो मेरी उंगलियों पे है, तू मैथ सिखा। अरे वही सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके वाले रूट से। 2024 में कितनी सीटें आएंगी आपको? देखो सब बातों को ध्यान में रखकर, संभावना से। संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये सीख लो आप, हर साल आता है 10 नंबर का। हाँ, संभावना बताने में तुम्हें बहुत अच्छा। वेरी गुड, तो फिर ये लो ताश की गड्डी। खेलने का गुड ना है, तू सिखा। अरे वही कर रहा था, सवाल तो सुनो। एक पत्ता बिना सोचे समझे एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से निकाला जाएगा, एक भी रानी या लाल पत्ता ना आने की संभावना बताओ। 26 पत्ते तो घट गए, काले बच्चे 26, उसमें से 2 रानी और निकाल दो बच्चे 24, टोटल पत्ते हैं 52, तो 24/52। 24/52 क्या होता है, फिगर और ना कटेगी। बटा तेरा जवाब चेक कर लीजिए। घंटी, तू भगवान है। समझ लो कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दल बदलू होगा, वो है तेजाब, ऐसे। और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसे इस दल बदलू की जरूरत है, वो है बेस। भगोड़ा, जरूरतमंद। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक और पानी पैदा होता है। हाँ, फायदा तो होना ही है, माल पानी बढ़ाएंगे दोनों मिलकर। यो साइंस तो मन ने पॉलिटिक्स की तरह दिख रही है। बस ईमानदार भाई साहब, मैं इनके नाम अपनी पसंद के रख देता हूँ ताकि याद रहे। हुड्डा चिल्लर लटवाल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौधरी साहब आप भगवान ना? भगवान तो बनती है। राम इज प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी?
वो क्या हुआ है? रायबरेली स्लैप चौधरी साहब के बदले बोलो, चौधरी वाज स्लैप्ड बाय रायबरेली। मतलब यो कहने के बजाय कि रायबरेली ने चौधरी को थप्पड़ मारा, यो कहना होगा कि चौधरी रायबरेली से थप्पड़ खा गया। वेरी गुड। औकात में रह रायबरेली टीचर समझते घना जज्बाती ना होंगे। यो एग्जांपल था, सच्ची घटना ना है। द बैट्समैन हिट द बॉल 46। द बॉल वाज हिट 46 बाय द बैट्समैन। वेरी गुड। रणवीर लव्स दीपिका। एवरीबॉडी लव्स दीपिका। पैसिव वॉइस बताओ चौधरी साहब, मन की बात नहीं। अरे मजाक कर रही हूं। दीपिका इज लव्ड बाय रणवीर। ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स। हिज टीचर्स आर नॉट ओबेड बाय हिम। ये तो जरा मुश्किल था चौधरी साहब, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? इस पे 10 लगा, जीत पक्की है। हर्षा भोगले इज नेवर रॉन्ग। अरे सरकार कैसे चलाते थे? मर्जी से। आप भगवान हो ना, वो तो घंटी है। पत्थर दिल अब पूरी तरह पत्थर हो गई है। ये बड़बड़ा रहा है? यही मैडम की गजब की कलाकारी है, जैसे कि ताजमहल। मैडम मूर्तिकार के हाथ कटवाई दुआ। यो मेरा सटा चाहिए, कोई मकबरा ना है। तने बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। नहीं नहीं मैडम, मैं तो आप वो जो विलायत वाली मैडम है ना, जो पुतले लगवाया करे है, उसकी दुकान में भी लगवा दे मेरा एक स्टैचू। मैडम तो 60 में? हाँ। लेकिन मैडम वहाँ तो सिर्फ मोम की लगती है। मैं मोम की ना हूँ जो तेरे इस बहाने से पिघल जूंगी। जुगाड़ लगा कुछ। जूजलेस आप। मैडम वो विदेश है, उन देशों में जुगाड़ नहीं चलते। आजकल तो बहुत एंटीना स्मेल बातें कर रहे हैं लिबरल की औलाद। चौधरी साहब मन ने लागे
वरने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिसलेक्सिया वो भाषा के हिसाब से नहीं होता, हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा। पर मन्ने हिंदी में ही है। ऐसा नहीं होता चौधरी साहब। रे ईमानदार, तू इंजीनियर है, डॉक्टर ना है। अच्छा ठीक, प्रेम आपकी मदद कर देगा, हिंदी जबरदस्त है उसकी। कविताएं सुनी है ना आपने? प्रेम, रिहाई पर इतनी उदासी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम छूट रहे हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? प्रीति से नहीं मिलना? वो जिन जालिमों की कैद में है वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना मैडम। I'm sorry प्रेम, लेकिन बेल के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरी सांसों का पिंजरा दुनिया वाले तोड़े, इससे अच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांसें इसी पिंजरे में तोड़ दूं। चौधरी साहब, प्रेम कैदी हुआ प्यासे के पास। भाई मैं तने कथी किसी प्रेमी की तरह ढूंढ रहा था, बाकी सब ठीक चल गया है, बस मेरी हिंदी बड़ी खराब है। नियत के साथ साथ और भी कुछ खराब है? वैसे मेरी दोनों अच्छी हैं। बोल, तू मेरी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि ये छूट रहा है। अरे यो तो बड़ी अच्छी कवर है। फिलहाल तो इसे आपकी मदद की जरूरत है। आपके खाप के भाइयों ने कसम उठा रखी है कि इसे जेल से निकलते ही मार देंगे। तो कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आया है। कुएं में जातिवाद का जहर मिला हुआ है। और उसे कोई साफ कर सकता है तो है आप। यही कराइए इनकी शादी, कोर्ट से ऑर्डर मैं ले आऊंगी। करा सकते हैं इतना? आज आप ये पहनिए। शादी पे आयो, मुस्कुरा तो दो। और कन्यादान का लिफाफा छोड़ के ही जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शादी जो है वो जेल में ही करा दी गई है। भगवान यहाँ पे बट रहे हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पंचों और गंगाराम चौधरी दोनों का आशीर्वाद जो है वर वधु को मिल चुका है। ये करके जातिवाद पे करारा तमाचा मारा है दसवीं के सबसे सीनियर छात्र गंगाराम चौधरी ने। कौन जाते हो भाई जी? कौन जाते हो? इन दोनों को चुपचाप से पीछे के गेट से निकालो और मुंबई पहुंचा दो। नीरज साहब, इतने पंचों को आपने बनाया कैसे? कुछ मने बड़ा मन है तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई टीम बदल गया है और कुछ के काले कारनामों की जन्म पत्र थी मेरे पास, बस उनकी कुंडली बना दी। से आपके वोट नहीं कटेंगे? जितने प्रीति की वजह से कटेंगे उतने ही प्रेम कुमार की वजह से जुड़ जाएंगे। यहाँ एक्स माइनस वन, वहाँ एक्स प्लस। अपने अच्छे कामों की इतनी गंदी तारीफ आप ही कर सकते हो। ऐसे मैं देख रही हूँ दसवीं की पढ़ाई की वजह से आप में काफी बदलाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कोई बदलाव बुद्धू ना आया है छोरी, मन ने बस वो चैलेंज पूरा करना है दसवीं पास करने का। चौधरी ना बदलने वाला कभी,
वो अंग्रेजी की किताब में लिख रखा है, ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप। लेकिन बाकी हिंदी वाली पटिया तो कमजोर है, धाड़ेगा कैसे? हाँ जी, तन्ने ने खिंचा नहीं सेल्फी, खिंचवा लेते। वैसे तो आप यहाँ टेम्प्री हो, एक बार चौधरी साहब ने 10वीं कर ली तो वो परमानेंट। बढ़िया है। परमानेंट तो तब होएंगे ना जब 10वीं पास करेंगे। बस बस, दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी। प्लान फेल मैडम। क्या बोल रही है? इसने बुड़बुड़ाने की बीमारी लगी है। आप बताओ 10वीं की तैयारी कैसे चल रही है? साइंस थोड़ी वीक पढ़ रही थी तो ईमानदार पढ़ा देता है, बस हिंदी के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। मातृभाषा में ही कमजोर हो आप, नाम लिखने में भी तो डंडियां और बिंदियां लगाते हो। आग में घी न डल्ले मुख्यमंत्रायण, बोलने में कमजोर ना हो, बस लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई। मैडम आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगी। किसने बुड़बुड़ाने की ना टांग अड़ाने की भी आदत पड़ गई है। सॉरी मैडम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। टांग अड़ाने की आदत तो इसने भी पड़ गई है। मन्ना तेरे से ज्यादा परवाह है टेम की। अच्छा जी, ख्याल रखियो विज्ञान का और मातृभाषा के ज्ञान का। तन्ने भी कोई जल्दी कट्टी सुनाने की तमन्ना हो तो सुना दे। मरे हुए को लात मारने का रिवाज ना है हमारे गांव में। मैडम आपने तारे जमीन पे फिल्म देखी है? अच्छा, तभी वो पांच डंडे और बिंदु। बदतमीजी नहीं, वो दस्तखत है मारे। आप अक्षरों को उससे शुरू होने वाले एक शब्द के रूप से पहचानिए। चुनाव चिन्ह मान लीजिए उसे, उस पार्टी का। मारे सीखने के तरीके की खबरें घंटी ने उड़ा रखी है। चलिए ध्यान से देखिए इसे, क्या है ये? नलका। आप न से नलका नहीं, नलके से न सीखिए। ये हाथी का मुंह और ये उसकी सूंड। हाथी से हाँ।
रस्सी से र। अब मिलन होगा। अब हाथी का इलेक्शन से पहले आती है। दिख गया। और अब मकान का। अब दोनों को एक साथ देखिए। हाथी मकान के साथ खड़ा है। दिखाती हूँ। ये है हम, ह और म की दोस्ती से बना हम। वाह, मतलब हम दोनों हैं जग, ज्योति एंड गंगा, ज और ग, जग। महक जागी ओ कस्तूरी सी सौंदी सौंदी एक महक जागी बंजर मन के भीतर भीतर देख अलक जागी अब ना कुछ भी और सुहावे नैना दी बकरा की सुनावे मारा मन होयो न किराड़ो ओ यारा मारा मन होयो न किराड़ो कुछ भी और सुहावे नैना दीपक राग सुनावे मारा मन होयो न किराड़ो ओ यारा मारा मन होयो न किराड़ो फोन लगा डाइन ने। चौधरी साहब काम डाउन, साइंस आपको मैं पढ़ा दूंगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि ईमानदार की बेल हो गई। ईमानदार? ईमानदार आप प्लीज फोन लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम जी। बोलो जी मेरे बंद पिंजरे के से। मैं अभी भी दहाड़ सकूं। तन्ने अचानक इनामदार की बेल कैसे करवा दी? उसकी घराली आके खूब रोवे थी। अरे आप तो जानते हो वो सच में ईमानदार है। इंक्वायरी हुई रोज पाया गया कि बेकौरती औरत के दिल का दर्द जाने है। अरे जेलरणी जैसी कुछ औरतें तो मर्दों के दिल को भी जाने है। फौरन CRPF देती है मुख्यमंत्रायण। इतना ना उड़े कि पतंग हो जाए और डोर करने पे आवारा। मन है बहुत काम है जी। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ अब। आप मेरे मुंह ना लगो, किसी और के लगना हो तो लग जाओ। मैं बहुत प्रणवाण हूँ जी। क्या हुआ? We'll be right back.
टीचर भर्ती घोटाले में सोमवार को अदालत अपनी गठित की हुई एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट सुनेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी नहीं बल्कि इस घोटाले में उनके मिनिस्टर, उनके विधायक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी आरपी टंडन का हाथ है। ठीक से करे जी, जल्दी कर। भैया जी, उस काव ने भी किया है, पिंकी है, पिंकी। जी 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 मैडम जी, मैं तो अपनी गलती मान लूंगा, पर आप अपनी पार्टी वालों को तो देखो। पार्टी की चिंता ना करे, तू अपनी सोच। जो आप बोलो, बस इस बार बचा लीजिए प्लीज। जी मैडम जी, मैडम जी प्लीज प्लीज, मैडम जी, मैडम जी बस इस बार बचा लीजिए। दसवीं की डेट सीट आ गई के? चौधरी साहब, भागना बना इधर। एक बुरी खबर है चौधरी साहब। दे दे, कौन सी वाली रह गई थी? हिंदी वाली। मैडम जी, ये लेटर आया है। क्या हुआ? हाँ, पेट खराब है, नफलू है, पता नहीं बुखार क्यों चढ़ रहा है। स्ट्रेस तो नहीं? आप स्ट्रेस्ड हो? यो डेट शीट देखो, पहला पेपर ही हिंदी का रखा है, क्योंकि सबने पता है हमारी हिंदी कमजोर है। पहले पर्चे में ही आप पास होंगे। निबंध 20 नंबर का है। निबंध और कहानियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, और कहानियां बनाने में तो वैसे ही आप मास्टर हो। बाकी जैसे भाषण को रट्टा मारते हो, वैसे रट्टा मार लेना। एग्जाम फीवर, एग्जाम फीवर। दही चिन्नी, आज आपका पहला एग्जाम है ना? दसवीं पहली सीढ़ी है, इसके बाद आपको मौका मिलता है अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने का। वैसे अगर आपने दसवीं पहले की होती तो आप इतिहास ही चुनते ना। ना चुनता तो पॉलिटिक्स सी।
eat tiger, never. Tiger. इतनी टेंशन तो मुझे कभी अपने एग्जाम में नहीं हुई। मैडम आपको क्यों टेंशन होगी, आप तो शेरनी हैं। चलो शुक्र है फाइनली आपने अग्री तो किया। निबंध लिखा था मुहावरे व्याकरण पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना? पता नहीं लेकिन इसको कैसे पता? ये ऑपोजिशन की चाल है, वो चाहते हैं कि आप डीमोरलाइज होके फेल हो जाओ। आंसर शीट बिल्कुल सील्ड है, किसी को नहीं पता किसका पेपर कैसा गया है। आपकी किस्मत बस पेपर चेक करने वाले की ईमानदारी पर है। काश मेरे जैसे सब ईमानदार हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लड रिपोर्ट दूंगा। आ जाती मजाक कर रहा था। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, यू थिंक फ्रीडम इज अ जोक, मजाक बना के रखा है। ठानिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना। तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आपको टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में, जैसे ही आंसर पेपर मिले लिख देना। अर्जुन ना आया तो? अरे नहीं आया तो आपको कौन सा टाइम गया, पर आ गया तो सीधा 10 नंबर। इतनी जल्दी चौधरी साहब? जल्दी कहाँ, 30 साल की देरी हो गई। पहले पेपर तो चेक कर लो कि आया कि नहीं। लग गया, तू तो आया नहीं। तो अभी खबर ये आ रही है कि जो गंगाराम चौधरी जेल से निकलने के लिए तिकड़म लगाता रहा, उसकी जो बेल है कुछ दिनों पहले हो चुकी है। खैर वो आज यहाँ नहीं आ पाए कोर्ट में, क्योंकि उनकी 10वीं का आखिरी पर्चा है। लेकिन उनके भाई जो है भारत मिलाप करके लगता है लौटे हैं, तो आज आइए उनसे पूछते हैं इस बारे में। अब क्या 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 कहना है? पूरा हरित प्रदेश और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौधरी साहब को दोबारा कुर्सी पे देखने के लिए बेचैन है। जी एक सवाल है, उन्होंने तो कहा था अगर फेल हो गए तो सीएम नहीं बनेंगे। चौधरी साहब हैं, क्या पता कब पलट जाएं। एक बार सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी। कुर्सी तो आपको छोड़नी पड़ेगी मैडम। और तू देखता जा टंडन,
सीएम तो बिमला देवी रहेगी। पार्टी की मीटिंग बुला। दिल जो है मायूस मायूस हो रहा है चौधरी साहब, आते रहना तो चाचू पीने। रिलीज ऑर्डर छुपा के क्यों रखा छोरी? छुपाती नहीं तो आप बाहर चले जाते और एक छोरी से चैलेंज हार जाते। अब उम्मीद है कि आप पास भी हो जाएंगे और दोबारा सीएम की कुर्सी संभालेंगे। मन ने सिखाते सिखाते घनी पॉलिटिक्स सीख गई तू। इतना जरूर सीखा चौधरी साहब कि अगर बदलना चाहो तो किसी को भी बदला जा सकता है। चलिए अगर आपने भी कुछ सीखा हो तो बाहर जाके लोगों का भला कीजिए। भला? ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। कुत्ते की पूंछ। बाकी तेरी हिंदी तो अच्छी है। चलो बड़ा गेट खुलवाओ। चौधरी ना झुक के आता है और ना झुक के जाता है। जनता तो फुर। अकेला क्यों है? तो जी बस हमें अब आगे देखना। जेल से लीडर छूट के आया था और तुम लोग यहाँ मैडम के दरबार में कहानियां सुन रहे हो। जो लोग सीएम के साथ प्रदेश की भलाई के लिए मीटिंग कर रहे हैं। वो तो मैंने कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ लिया था कि कौन कौन प्रदेश के भलाई के लिए क्या क्या कर रहा है टंडन के साथ मिलकर। दागी छवि वाले किसी नेता को टिकट ना मिलेगा। दाग तो आप पे भी लगा है चौधरी साहब। थोड़ा दाग लगा था, मिटा देते हैं। अगले साल वैसे ही इलेक्शन है तो सरकार छोड़ के चुनाव की घोषणा करते हैं। इसमें तो एक साल की कमाई का नुकसान हो जाएगा जी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं फायदे जरूरी हो गए। सीएम इसके पक्ष में ना है। बाकी आप पार्टी वालों से पूछ लो। अरे बावड़ी, इनके साथ रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहा हूं जब इनका दल बदलने का डर था। तेरे साथ तो आधी जिंदगी गुजारी है। जब तू अपनी ना हो सकी तो इनका क्या भरोसा। लोकतंत्र है जी, पूछना चाहिए। जो मेरे साथ है हाथ उठाओ। श्रीमती बिमला देवी जी, जनता पार्टी नहीं लीडर फॉलो करती है। इब तो चुनाव होके ही रहेगा। चौधरी का कद ना कभी कटा है ना कभी कटेगा। कद तो घटेगा जी, चुनाव और 10वीं के रिजल्ट दोनों से। अच्छा, हिंदी का पर्चा कैसा गया आपका? सुना पहले ही पढ़ गया था इस बार एग्जाम में। कभी चेहरे चेहरे। अजी ऊंचा बोला करो, आप क्यों भूल जाते हो आप सीएम के हस्बैंड हो।
पुराने पापियों को बुलाओ। मेरा एक ही सवाल है, साथ देगा? जरूर, कब नहीं दिया है? मैं आपके साथ हूँ जी। क्या नाजिर है आपके लिए चौधरी साहब? पर परेशानी ये है कि दाग बहुत बड़ा लग चुका है। दाग नहीं, कलम। खाप नाराज है आपसे। पार्टी वर्कर्स भी नाराज हैं। वोट परसेंटेज भी गिर गया है। मैं तो आपके साथ हूँ जी, लेकिन इस बार आपकी लहर ना है। जमाना बदल गया है, पर देश को जवान खून की जरूरत है। माफ करो भाई साहब। चलता हूँ भाई साहब। अच्छा जी, चलता हूँ। साथ देगा? ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, ये शिक्षा से भरता है। खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तारे क्यों टूटते हैं से लेके अपने क्यों छूटते हैं। आदमी जब पेड़ से उतरा, गुफा से निकला, उसने आसपास देखा, सवाल पूछे, उनके जवाब तलाशे, ताकि सिर्फ इंसान की नहीं पशु पक्षियों की जिंदगी भी बेहतर बन सके। शिक्षा तो हमें चांद पे ले गई, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें। उसने कोई मैनुअल देखकर हमें धरती पर नहीं भेजा था। हमने करके सीखा है, सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है, और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा है। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढना है। और कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, पर इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है, हम सबका है। तो हमें देश और समाज के प्रति अपना काम सही से करना होगा, और अपना काम सही से करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो पते की बात यो है कि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तभी देश का भला होगा, वरना तो घर में छोरे ने लाख इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, घर का पंखा पास की दुकान का पप्पू मिस्त्री ही ठीक करेगा। जो राजनीतिक सोना है, जो तो एक शुरुआत है शिक्षा की।
दिखता वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बन जाता है। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं था तो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया, कमाल है। 3 तारीख को रिजल्ट है जी मैडम, चुनाव का भी और 10वीं का भी। अब जाके पता चलेगा कि ये टाइगर है या साथ। यहाँ पे हरित प्रदेश के सबसे फेमस हलवाई जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की बने लेकिन मिठाई जो है इनकी बनती है। तो कितने ऑर्डर हैं आपके पास? जीत का अंदाजा तो हमें पहले से ही था, तब मेरे पास 1500 किलो का ऑर्डर था जी। गेट पोल आने के बाद 3000 किलो का ऑर्डर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है सर? देखिए, काउंटिंग तो एक फॉर्मेलिटी है जी, नतीजे तय है, सरकार हम बना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैडम आपको क्या लगता है? जी, हमारी बिमला देवी इस बार सीएम और अगली बार पीएम। अगली बार पीएम। बिमला देवी किसी भी वक्त यहाँ से नीचे आ सकती है, रेड कार्पेट उनके लिए तैयार है, माहौल तैयार है, जीत की राह उन्हें जो है वो दिखाई देने लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूँ आपके साथ शोभना यादव। आज हरित प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी और वर्तमान मुख्यमंत्री बिमला देवी चौधरी आमने सामने हैं। ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि पति और पत्नी के बीच। काउंटिंग स्टार्ट होली भाई साहब। गाड़ी निकाल। हरित प्रदेश पार्टी के तमाम उम्मीदवार गंगाराम चौधरी के महागठबंधन के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर नतीजे आपके सामने हैं। बिमला देवी के तमाम उम्मीदवार रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये गंगाराम चौधरी की मायूस तस्वीर आपके सामने देखिए। अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम भी ऐसे रहे। तो तमाम जो कार्यकर्ता है हरित प्रदेश पार्टी के वो अभी रिजल्ट आया, उसी का इंतजार है। अरे 10वीं का चौधरी साहब, पूरे 57% आप पास हो गए। रिजल्ट में हमेशा जीतता है।
रे जोगी रे जोगी तारे मन के सितारे कर दे गरे मौज मीनारे रब बहकेगा तुझको किनारे। पार्टी ऑफिस में कल जहाँ पटाखे फूटे जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, वही मजमा जो है आज युवा स्वराज पार्टी के दफ्तर के बाहर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि गंगाराम चौधरी ने दसवीं के साथ साथ चुनावी दंगल में भी अपना परचम जो है लहरा दिया है, वो जीत गए। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं कि मेरे गंगाराम चौधरी से दसवीं पूरे 2% ज्यादा बने थे, पूरे 39%। ने चखी है पावर, वो सांप कई साल पहले मन ने डस चुका है, उसके जहर के असर से आंख बंद हो जावे है। मन ने चखी है पढ़ाई, उससे आंखें खुल जावे है। जहर उतरने में टाइम तो लगेगा जी। वैसे मैं अभी भी आपकी पत्नी हूं, या उस मामले में भी कोई गठबंधन कर लिया? तन्ने 8 वचन लिए होंगे बिम्मो, मैं तो साथ ही निभाऊंगा। विधायक दल की ओर से मेरा प्रस्ताव है कि श्री गंगाराम चौधरी जी हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गणित से इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सही पद पे सही आदमी होना चाहिए। आपके जैसा ईमानदार युवा नेता मेरा मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी बात ना हो सके। सुनो सुनो, ठंड रखो। एक पद का लालच भी है। मैं गंगाराम चौधरी ईश्वर के साथ साथ अपने गुरुओं श्री घंटी, श्री रायबरेली, श्री इनामदार और कुमारी ज्योति देसवाल की शपथ लेता हूं कि मैं हरित प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊं। मचा 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 रे मचा 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 मचा
मजा 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 रे, चाहे तुम्हें मेडल मिले चाहे कोई सजा दे, मजा 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 आज कदर मचा रे, मजा 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 रे, मजा 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 रे, चाहे तुम्हें मेडल मिले चाहे कोई सजा दे, मजा 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 आज कदर मचा रे। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर है ठानिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज अगर उड़ने की तमन्ना फलक मगरूर, बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर।